नमस्कार किसान साथियों, आज खेती किसानी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी खेती की लागत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और साथ में जो उसका उत्पादन है वो कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा जिस हिसाब से हम लागत लगा रहे हैं। हम खेती में तमाम प्रकार की खादों का प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में कीटनाशक रसायनों का, फंजिसाइड का या अन्य तमाम प्रकार के ग्रोथ प्रमोटरों का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी हमारी उत्पादन बढ़ नहीं रहा और साथ में जो उसका लागत बढ़ती चली जा रही है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताना चाहते हैं कि गर्मियों में खेती में क्या उपाय करें जिससे हमारी खेती की लागत भी कम हो और उसके साथ साथ उसका उत्पादन बढ़े। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे हमारी खेती की लागत कम हो, उसके साथ साथ उसका उत्पादन बढ़े। जैसे हमारे रबी की फसल की कटिंग हो जाए, कट जाए, तो उसके बाद हमें अपने खेतों की गहरी जुताई कराना है। इतनी गहरी जुताई कराना है कि मिट्टी पलट जाए। इस गहरी जुताई से, गर्मियों की गहरी जुताई से हमें बहुत से लाभ होंगे। तो उनमें सबसे पहला लाभ है हमारे मिट्टी के जल धारण की क्षमता बढ़ती है। इस जुताई से क्या होता है कि मिट्टी पलट जाती है, जो ओडेलिक रूप में हो जाती है, तो वो सूर्य की रोशनी में, सूर्य के धूप में वो तपती रहती है, जिसके कारण जब पानी बरसता है तो वो हमारी मिट्टी में पानी बरसेगा तो उससे पानी हमारी खेत के गहराई तक जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिस कारण हमें खेतों को बार बार सिंचाई करने की नहीं ज़रूरत होगी। हमारी फसल कम पानी में ही उसकी ज़रूरत पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहला लाभ हमारे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। दूसरा लाभ है कि हमारे खेत के जो हानिकारक खरपतवार होते हैं इस गहरी जुताई से नष्ट हो जाते हैं, जैसे दूब है, कूस है या मोथा है। ये क्या होते हैं, इनकी जड़ें गहरी होती है, जब गर्मी की जुताई होती है तो ये मिट्टी पलट जाती है और ये इनके खरपतवारों की जड़ें हैं, ये बीज है, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की गर्मी में तपते हैं और वो उनकी जड़ें सब नष्ट होता है हो जाते हैं, जिसके कारण ये होता है कि हमारे जो खेत के हानिकारक खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा लाभ ये है कि हमारे खेत से हानिकारक खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा लाभ है। इसके बाद तीसरा लाभ होता है कि हमारे खेत के हानिकारक रोगाणु, कीट पतंगे, वो भी नष्ट हो जाते हैं। गर्मी की जुताई से क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी में रहने वाले रोगाणु हैं, कीट हैं, वो सब सूर्य की रोशनी में आ जाते हैं, जिसके कारण वो सूर्य की गर्मी से वो नष्ट हो जाते हैं। उनके रोगाणु के अंडे और लार्वा, इल्ली, वो सब धूप की रोशनी में तपते हैं, जिसके कारण वो नष्ट हो जाते हैं। गर्मी की जुताई से चौथा लाभ ये होता है कि जो जड़ गलन संबंधित बीमारियां होती हैं, उनके रोगाणु, फंगस या नीमाटोड, उस गर्मी की जुताई से नष्ट हो जाते हैं। जितने जड़ गलन संबंधित रोगाणु होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जब मिट्टी की जुताई होती है वो सूर्य की रोशनी में तपते हैं कि गर्मी के कारण वो सभी फंगस, रोगाणु और साथ साथ नीमाटोड नष्ट हो जाती है। तो इससे बड़ा ये लाभ हो रहा होता है कि जड़ गलन संबंधित बीमारियां हमारी खत्म हो जाती हैं या बिल्कुल ही कम हो जाती है। अब पांचवें लाभ की बात करते हैं, तो इस गर्मी की जुताई से हमारे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इस जुताई से हमने पहले बताया कि हमारे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। उस जल धारण क्षमता से क्या होता है, बारिश का जो पहला पानी बरसता है वो पानी हमारे खेत में ही रुक जाता है, जिसके कारण जो वातावरण की नाइट्रोजन पहले पानी में नीचे आती है, पानी के साथ, बारिश के साथ नीचे पहुंचती है, वो पानी जब खेत से बाहर नहीं जा पाएगा तो हमारे खेत में नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, जिससे हमारे खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और हमें ऊपर से अपनी फसलों को कम नाइट्रोजन देना पड़ता है। तो गर्मी की जुताई से ये लाभ है कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगले लाभ पर चलते हैं, तो गर्मी की जुताई से हमारे खेत की मिट्टी भुरभुरी और मुलायम हो जाती है, जिससे हमारा खेत कम जुताई पर ही फसल के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम जब फसल बोएंगे तो हमको बार बार जोतना, मतलब खेत जब हमारा प्रॉपर नहीं तैयार हो पाता तो हमको बार बार जुताई कराना पड़ता है। तो जब मिट्टी और भुरभुरी और मुलायम हो जाएगी तो हम कम जुताई में ही हमारा खेत बन के तैयार हो जाएगा और उसमें बढ़िया से हमारी फसल ग्रोथ लेगी और बीज का जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा।
इन सब लाभों को देखते हुए हमें गर्मियों में 2-3 साल में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कराएं, और अपने खेत को हम ऐसा बांट लें कि एक साल में आधे खेत में करा लें गर्मियों की जुताई और उसमें फसल ले लें, और अगले साल जो जिसमें फसल लिया था उसमें गहरी की जुताई करा दें, और जो जिसमें पिछले साल गहरी जुताई कराई थी उसमें हम फसल ले लें। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी फसल भी होती रहेगी और गर्मियों की जुताई भी होगी। अब गर्मियों की जुताई के कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों में सबसे पहले ये है कि हम अपने खेत की गहरी जुताई कराएं। यदि खेत में नमी की कमी हो तो हम पानी लगाकर उसके 10-15 दिन बाद, जब बिल्कुल हमारा खेत सूख जाए उसके बाद ही गहरी जुताई कराएं। अगली सावधानी ये रखने की ज़रूरत है, यदि हमारा खेत ढालू है, एक दिशा की तरफ ढाल है, तो हमें लास्ट की जुताई जो करनी है वो ढाल के विपरीत करना है। यदि हमारा खेत जैसे पूरा पश्चिम की तरफ ढालू है और तो लास्ट की जुताई हमें उत्तर दक्षिण की ओर करना है, जिससे क्या होगा जो बरसात का पानी होगा वो खेत से बाहर ना जा पाएगा, और ढाल के विपरीत जुताई होने पर वो खेत में ही पानी रोका रहेगा, तो जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जो पानी है बरसात का पहला पानी वो खेत से बाहर नहीं जा पाएगा। इन सब लाभों को देखते हुए हमें गर्मी की जुताई से बहुत से फायदे मिलते हैं। यदि आप इन फायदों को देखना चाहते हैं तो एक खेत में आप गर्मी की जुताई कराइए और दूसरे खेत में गर्मी की न जुताई कराइए, तो देखेंगे कि जिस खेत की आपने गर्मी की जुताई कराई उसमें उत्पादन भी अधिक होगा और लागत भी कम होगी, और जिस खेत में आपने नहीं जुताई कराई उसकी लागत भी कम होगी, अधिक होगी और उत्पादन भी कम होगा। तो आप भी अपने खेत की गर्मियों में 2-3 साल में एक बार ज़रूर जुताई कराएं। इसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय किसान।